मॉर्निंग व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम, ये मेरे सामने मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि मुरादाबाद से आए हुए हैं। अपना नाम बोलिए आप। हाय गाइस, माय नेम इज मौसिम अहमद अंसारी, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। तो इनके कुछ फ्रेंड्स जो इनके बारे में जानते हैं कि ये आजकल यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप, बाकी तो बीमारी के बारे में तो बताते ही हैं, तो ये जो है कि जिससे और लोगों को इसमें काफ़ी कई सवाल मतलब दिमाग में आते हैं कि भाई कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, तो उस चीज़ को लेके आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ आपके सामने दे रहे हैं। ये मुझसे कुछ सवाल जो पूछना चाहते हैं पूछेंगे और मैं उनका जहाँ तक संभव हो सकता है समय की सीमा को देखते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर आज मेरा 12th सेशन है और मैं काफ़ी कुछ सीख गया हूँ आपके पास से, लेकिन जब मैं स्टोरी वगैरह लगाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो बोलते हैं सर हमें भी कुछ कोर्स करना है, ये कहाँ करें, तो सर क्या वो कोर्स कर सकते हैं इसको? देखिए ऐसा है, कोर्स कोई भी कर सकता है जी सर। कभी भी किसी कोर्स को करने से पहले एक सवाल आता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम ये इसको कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन को हम अंडरमाइन कभी नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन जितनी ज्यादा हो जी सर अच्छा है, लेकिन ये जो तरीका है इलाज करने का, ये जो पद्धति है जी सर, लोग इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम देते हैं जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने अपनी बुक्स में जो है वो हमेशा इस चीज को अपोज किया है कि कभी भी कोई भी थेरेपी किसी दूसरी थेरेपी की ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती। हर चीज की अपनी वैल्यू है। मेरी अपनी अहमियत है, तुम्हारी भी अपनी एक अहमियत है, समझे? ये नहीं है कि तुम अगर कभी छोटे हो या कम जानते हो तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई। इसी तरह से क्वालिफिकेशन जितनी भी हो, पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आमतौर से मन में ये होता हमने तो मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, हमें मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि क्वालिफिकेशन इतनी भी हो कि अगर आप मेरी भाषा को हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी मैं बोल रहा हूँ, उसको आप समझ सकते हैं, या मिला जुला के इंग्लिश इसको बोल देते हैं भाषा कि मिली जुली भाषा जो है उसमें अगर हम बोलें और आप समझ सकते हो, उतना ही काफी है। बाकी काम मेरा है सिखाना। मैं आपको पूरा मेडिकल साइंस पढ़ाऊंगा, जो पूरी बीमारी के बारे में जितना आपने अभी तक आपको पैरालिसिस तक भी और सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है? जुकाम से लेकर पैरालिसिस से कोई भी बीमारी का इलाज संभव है, वो भी बिना दवाइयों के। शरीर में इतनी क्षमता है, लेकिन आपको अभी तक 12 सेशन, आपने कहा 12 सेशन में बहुत कम एहसास हुआ होगा कि आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। सर बातों में बहुत कुछ सीख गया सर, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये जो आपकी कॉलर बोन है, जहाँ कॉलर टिकता है आके, आमतौर से लोग इसको आम भाषा में कॉलर बोन कहते हैं। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि ये क्लेविकल है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर मैं कह दूं ये ब्रेस्ट बोन है और इसको अगर मैं कहूं नहीं ये तो स्टर्नम है, स्टर्नम आपको ऊपर से निकल जाएगा, ब्रेस्ट बोन हर एक को समझ आती है। तो एक तरीका है सिखाने का, उस तरीकों को अगर आपको सिखाया जाएगा, घुटने की हड्डी है पैटिला जी सर, इसको अगर नीव कैप कह दो तो क्या बुरा है? आपने समझना है, कोई एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं आप, और ये आपने अपने घर के अंदर इसको रखना है। ये ठीक है कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप जो भी सवाल इस बारे में पूछना चाहेंगे पूछिएगा, लेकिन कोई भी आदमी जो हिंदी या इंग्लिश भाषा को समझ सकता है और उसमें एक लगन है, मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अंडरमाइन तो कभी नहीं कर सकता, बार बार कहूंगा, लेकिन उसके बिना भी आपको ताज्जुब होगा, मैंने अपनी मेड सर्वेंट को, उसके फादर को पैरालिसिस हो गया था, आवाज भी चली गई थी जी सर, उसको सिखा के भेजा और उसने 3 महीने में अपने फादर को बिल्कुल ठीक करके वापस आ गई। सर एक्यूप्रेशर से कुछ लोग डरते हैं कि दबाएंगे तो इससे सर शरीर में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है एक्यूप्रेशर से? कोई साइड इफेक्ट तो, देखिए मजे की बात यह है, बाबा रामदेव जब बताते हैं कि लौकी का रस पियो तो लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर हर एलोपैथिक दवाई में, आई एम नॉट ए क्रिटिक ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, माइंड यू आई एम वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, मैं तो अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में अंदर जाके, या मैं जीटीबी हॉस्पिटल में बैठता था तो वहां पर भी जाके मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि मैं को मैनेजमेंट में विश्वास करता हूँ जी सर, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि ये थेरेपी उससे अच्छी है, पर हरेक को हरेक की जरूरत है। जहां एलोपैथी है कुछ, जहां लाइफ सेविंग सिचुएशन होती है वहां पर आप, पर किसी को अगर सर्वाइकल है तो वो अगर, या शैटी का पेन हो रही है जहां पर जान जाने का खतरा नहीं है, वहां अगर आप इसको फेयर ट्रायल 3-4-5 दिन दे दें और अगर ठीक होने लगे
मेरा अपना 33 साल का तजुर्बा है एक्यूप्रेशर के साथ, आपके सामने पढ़ी है 10-12 किताबें हैं जो मेरे हाथ की लिखी हुई है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पर, जो कि विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हर थेरेपी की अपनी इम्पोर्टेंस है, पर इसको कोई भी सीख सकता है। साइड इफेक्ट जो एलोपैथिक दवाई पे जो है वो लिखा होता है कॉशन साइड इफेक्ट के बारे में, उसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पूछता। और एक्यूप्रेशर में इट्स एक्सटर्नल थेरेपी, आपने कोई इट इज नॉन इन्वेसिव नॉन इंटरवेंशनल। हाँ, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक्यूपंक्चर सिखा दो। मैंने किताबें लिखी हैं, मेरी भी आईसाइट वीक हो गई तो मैं एक्यूपंक्चर नहीं करता, मेरी को ऑथर करती है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि एक्यूपंक्चर जो है वो दैट नीड्स प्रिसीजन सर्जन से भी ज्यादा, इसलिए उसको स्पेशलाइज कर सकता है आदमी एंड यू शुड बी प्रॉपरली लाइसेंस्ड। पर अब आप मसाज करते हैं किसी को, इसको मैं मसाज से भी कभी तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि दिस इज रिमोट कंट्रोल ट्रीटमेंट। आप अगर यहां से किडनी को अप्रोच कर रहे हैं, यहां तो हाथ नहीं लगा रहे हैं, यहां तो हाथ नहीं लगा रहे पीछे, पर यहां से आप किडनी को एड्रेस कर रहे हैं, यहां से आप अपनी रीढ़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल ट्रीटमेंट हो गया, इसे नॉन इन्वेसिव। सर जैसे हमने एक्यूप्रेशर का कोर्स कर लिया है, सर परिवार की तो सेवा कर ही रहे हैं और थोड़ा समाज सेवा भी हो जाए फिर उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है जी। आपने सिर्फ ये करना है, कोई सुई लगाने की कोशिश नहीं करनी है। मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो एक्यूप्रेशर सीखने के बाद कहीं कहीं से लोग करवाते हैं एक्यूपंक्चर का कोर्स करवा देते हैं, जबकि वो नॉन मेडिको हैं। नॉन मेडिको को एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए, उनको उतना इंट्रिकेसी नहीं पता। जहां तक आपने अभी इतने 12 दिन में आपका तजुर्बा है कि जो एनाटॉमी 1 साल में MBBS स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, उसमें से भी काफी कुछ हमने आपको 10-12 दिन में करवाने के साथ साथ बहुत कुछ कर लिया। और क्लासेस तो आपकी 2 घंटे होती है जैसे, हाँ सर, लेकिन आपको समझ भी आ रहा है जी सर। पर मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, पर उसके लिए आपको डॉक्टर का लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप अंदर किसी को सुई लगाएंगे। अब जहां तक है ग्रुप ये जो आजकल इंसुलिन के घरों में कोई भी किसी को सुई लगा देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है और बजाय हर बार तो क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पेशेंट खुद भी लगा लेता अपने आप पेशेंट जी, जी, जी। सबक्यूटेनस होता है, स्क्रीन उठाई और लगा दिया। पर आप जो है अगर सेवा के लिए करना चाहते हैं, मैं सेवा ही नहीं कहता जी जी, कई लोग हैं घर में आजकल नौकरी थोड़ा सा काफी जब से कोरोना आया उसके बाद से नौकरियों का मामला गड़बड़ हो गया। वैसे तो नौकरी हमेशा से ही, कभी ये नहीं कह सकते कि आज से 30 साल पहले 40 साल पहले 20 साल पहले नौकरियां ही नौकरियां थी, ऐसा नहीं था, तब भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, चरम पे थी जी सर, आज भी है। पर आज बहुत सुविधाएं हैं, पर फिर भी घर में है हाउस वाइफ हैं, पढ़ी लिखी हैं। हाँ सर, यही तो मैं पता करता था। उनके घर में रिस्ट्रिक्शंस हैं जी सर जी, ठीक है। मैं आपके लिए कहता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, यू आर फ्रॉम ए मुस्लिम कम्युनिटी, यस सर, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा पर्दा सिस्टम है। अगर घर में लेडी पढ़ी लिखी है जी, वो सिर्फ फीमेल का इलाज करे और आप जो भी बिजनेस करते हैं जो भी करते हैं उस काम में, या आप ये सीख के अगर ये भी अपने बिजनेस के अलावा करना चाहते हैं जी, अगर वो आपका हाथ बटा रही है घर बैठ के तो क्या बुराई है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी आप और उसकी जो स्किल है अगर वो सीखती है, ठीक है ना, तो उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप फ्री ही करें जी, उसका उसूल ये बनाइए। मैं आज भी इसमें करता हूँ, आप देखा ये होम्योपैथिक दवाइयां देख रही हैं, 45 साल से जी। मैं लोगों को फ्री होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ, मेडिसिन तक फ्री देता हूँ जी सर, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है चल रहा है जी। पर जहां पर जो आदमी आपके पास ऐसा आ जाए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी वंचित नहीं करना है, आप उसको फ्री ट्रीटमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो सक्षम है वो अपने आप लेके चला जाएगा जी सर, ये तो है सर, ठीक है सर। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे सर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सर कॉन्टेक्ट नंबर तो आप इस पे वीडियो पे डालते ही हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मुझसे बात कर सकता है, और कोई डिटेल लेने के लिए और कोई सवाल आपके दिमाग में आता है सर। जैसे अब मैं तो यहाँ से आता तो आपके पास ऑफलाइन कोर्स लेने के लिए आ गया, लेकिन सर जो अदर कंट्रीज है जैसे कनाडा से अमेरिका से, मेरे 8 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं और पेशेंट्स भी हैं, ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया जी सर। ऑनलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, और ब्लेंड मिक्स करके भी होती है, ठीक है। आप कुछ क्लासेस ऑनलाइन ले लें और बाद में कभी ये करते हैं, जैसे ग्रुप बना के हम जाते हैं जी जी, कई जगह है, जैसे मैं पीछे में गया था हैदराबाद गया, अच्छा सर, गोवा में तो लंदन से 3 डॉक्टर्स आए हुए थे, ठीक है ना जी सर, तो वो लोग भी सीखते हैं और सीख के जाते हैं जी सर, वो लोग मुझे वहां बुला लेते हैं
और मैं वहां पर मैं 7 दिन में सुबह शाम, क्योंकि टाइम टाइम होता है, यहाँ तो पेशेंट्स भी होते हैं जी, तो सुबह शाम करके कम से कम 20 घंटे का टाइम चाहिए। सर जैसे ऑफलाइन कोर्स हम यहीं से ऑफलाइन चाहते हैं तो सर कितने दिन में हम सीख जाएंगे? मैं नॉर्मली तो कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 क्लासेस दी जाए, हफ्ते में 2 जो अगर लोकल है आसपास से, आसपास के, ठीक है ना, और वो म्यूचुअली एडजस्टेबल होता है, और नहीं तो जहां मैं जैसे मैंने बताया कि आउट स्टेशन जा रहे हैं या ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जी सर, जी। 2 क्लासेस देने के पीछे वजह है कि जो मेरे से आपने डिस्कस किया उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, उसके बाद फिर आप मेरे पास आएंगे तो ज्यादा इक्विप्ड आएंगे और ज्यादा आपके मन में ठहरेगा। जी सर, एक जानकारी और चाहिए थी सर, जैसे कुछ बंदे को अभी भी समझ में नहीं आया होगा सही तरीके से, सर आपका कोई नंबर मिल जाए जिससे वो नंबर आपने भी पूछा था ना मुझे, मैंने बताया नंबर तो आप डालते हैं, हाँ सर, तो उस पे वो पूछ सकते हैं, अगर कोई दिमाग में कोई चीज आती है आप क्वेरी कर सकते हैं। जी जी, सुबह 7:30-8 बजे से लेके और रात को 8-9 बजे तक कभी भी करेंगे, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं फौरन हर कॉल कर रिसीव कर, ठीक है, नोट्स बनवाई देता हूँ मैं, हाँ सर, बाकी मेरी लिखी हुई किताबें अवेलेबल हैं, बाकी चार्ट भी सर आप बनवाते तो सर, ठीक है सर, एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।